going to start chapter 20, Archives of Freedom Struggle. With the arrival of Mahatma Gandhi from South Africa in 1915, the Indian National Congress got a new leader. तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में आए 1915 में, साउथ अफ्रीका से वो इंडिया आए 1915 में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक नया लीडर मिल गया. गांधी जी हैड स्पेंट 20 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका. गांधी जी साउथ अफ्रीका में 20 ईयर्स तक रहे. देयर ही विटनेस्ड द इल ट्रीटमेंट ऑफ द वाइट्स अगेंस्ट द ब्लैक्स एंड द इंडियंस. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने देखा कि जो गोरे लोग थे वो लोग साउथ अफ्रीकन्स को, जो अफ्रीकन्स के लोग थे और जो इंडियंस थे, उनको वो किस तरह से ट्रीट करते थे. जो वाइट्स थे, जो गोरे थे, ओके, वो लोग इन ब्लैक्स, इंडियंस को और अफ्रीकन्स को ब्लैक्स कहा करते थे और उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे. ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द अनजस्ट सोशल पार्टी ऑफ द वाइट रूलर्स. तो उन्होंने इस, ये जो काले और गोरे का जो भेदभाव था, इसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई. ही स्टार्टेड अ पीसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉल्ड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस इनजस्टिस. तो उन्होंने एक, मतलब शांतिपूर्वक उन्होंने ये सब भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया उसका नाम रखा सत्याग्रह. सत्याग्रह लिटरली मीन्स सर्च फॉर ट्रुथ. सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की खोज करना. इट रेफर्स टू अ नॉन वायलेंट एंड अ पीसफुल एजिटेशन. सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्याग्रह में गांधी जी कहते थे कि हमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है, हमें मारपीट नहीं करना, हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हमें काम करना है. गांधी जीज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका अनेबल्ड हिम टू डू अ लॉट व्हेन ही केम बैक टू इंडिया. तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला. और जब वो इंडिया में आए और इंडिया में भी आकर के जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे भी इतना ज़्यादा भेदभाव है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर जो साउथ अफ्रीका में रह करके उनका जो एक्सपीरियंस हुआ था उसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिली. आफ्टर रीचिंग इंडिया गांधी जी ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जब इंडिया आए गांधी जी तो वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स, इंडिया के कई जगहों पे वो घूमने गए. ही वॉज शॉक टू सी द पुअर पीपल, द अनटचेबल्स एंड द रिजिड कास्ट सिस्टम. गांधी जी ने इंडिया में देखा कि जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन बहुत बुरी है. यहाँ पे लोग कास्ट सिस्टम बहुत मानते हैं, छूत अछूत बहुत मानते हैं. तो इंडिया जो नीची जात के जो लोग होते हैं उन लोगों को इंडिया में बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था. तो ये सारी चीज़ें, इंडिया में इतना ज़्यादा भेदभाव, इतना ज़्यादा सोशल इविल है, ये सब देख करके गांधी जी बहुत आश्चर्य हुए. ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ फॉर द अनटचेबल्स हु वर ट्रीटेड वेरी बैडली बाय द हायर कास्ट. गांधी जी ने सोचा कि गांधी जी ने उसी समय ये डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी लाइफ इन अनटचेबल्स, जो नीची कास्ट के जो लोग होते थे उनकी भलाई करने में वो अपना पूरा लाइफ लगा देंगे. क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था, उन्हें अछूत कहा जाता था और उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था. जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे. ही कॉल्ड देम हरिजन्स विच मीन्स द पीपल ऑफ गॉड. गांधी जी ने जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, जो लोग अनटचेबल थे, उनको नाम दिया हरिजन, मतलब भगवान के लोग, पीपल ऑफ गॉड. ही गेव अ गुड एग्जाम्पल टू अदर्स बाई ईटिंग एंड स्टेइंग विद द हरिजन्स. गांधी जी जो है इन अनटचेबल्स के साथ, हरिजन्स के साथ रहते थे, उनके साथ खाना खाते थे ताकि लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज जाए. गांधी जी ट्रांसफॉर्म द इंडियन नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट. जब गांधी जी आए तो जो फ्रीडम, जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में उन्होंने सबको यूनाइट किया, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और वो एक मास मूवमेंट बन गया. सिर्फ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही मूवमेंट नहीं हुआ, वो पूरे इंडिया का एक मास मूवमेंट हो गया. In 1919, the British government passed a law known as Rowlatt Act. तो 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इट वॉज पास्ड टू सप्रेस द मोमेंटम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। रोलेट एक्ट इसलिए पास किया गया था ताकि जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो फ्रीडम पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए जो इतनी लड़ाई कर रहे हैं, उनके आंदोलन को, उनके मूवमेंट को रोका जा सके। दिस लॉ स्टेटेड दैट एनीबडी कुड बी अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल विदाउट अ ट्रायल। रोलेट एक्ट में ये लिखा गया था कि किसी को भी जब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पुलिस जब चाहे, जब जी चाहे किसी को भी कहीं भी पकड़ कर जेल में डाल सकती है बिना किसी ट्रायल के। यानी अचानक से किसी को भी पकड़ के वो कहीं भी जेल में डाल सकती है। गांधी जी कॉल्ड फॉर द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट दिस हार्श लॉ। सो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया ताकि इस लॉ को हटाया जाए। प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्रीज़ में धरने हुए, ठीक है, अनशन हुआ ताकि इस लॉ को हटाया जा सके। सो द नेक्स्ट इज़ योर जालियांवाला बाग मैसेकर। ऑन 13th April 1919 अ पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड एट जालियांवाला बाग इन अमृतसर। 13th April 1919 में एक पब्लिक मीटिंग हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और ये पब्लिक मीटिंग हुआ था जालियांवाला बाग अमृतसर में। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन अटेंडेड दिस मीटिंग पीसफुली। बहुत सारे लोग शांतिपूर्वक, शांति से इस मीटिंग में गए थे, मीटिंग को अटेंड करने के लिए। व्हेन द ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर हर्ड अबाउट दिस मीटिंग ही ऑर्डर्ड टू क्लोज द ओनली एक्सिट ऑफ द पार्क एंड स्टार्टेड फायरिंग एट द अनआर्म्ड पीपल हु फाउंड नो मीन्स ऑफ एस्केपिंग। तो उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, जनरल डायर, जब उन्हें ये बात पता चला कि सभी लोग जो है जालियांवाला बाग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किसी मीटिंग के लिए, तो उन्होंने अपने जो भी पुलिस, जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी वहाँ पे लोग थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने उन सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि जो बाहर जाने का जो रास्ता है जालियांवाला बाग में, जो बाहर जाने का रास्ता है, उस एग्ज़िट को बंद कर दो। और बंद करने के बाद उन्होंने, जब एग्ज़िट डोर बंद करने के बाद उन्होंने वहाँ पे जितने भी मासूम लोग थे, जितने भी निर्दोष लोग थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो लोग वहाँ पे सिर्फ अपनी मीटिंग अटेंड करने गए थे एक साथ, उन लोगों पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। उसमें से कुछ बच्चे भी थे, विमेन थे, बहुत लोगों की उसमें डेथ हो गई और उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। और बिना किसी गलती के जनरल डायर ने उनको फायर करके उन पे गोली चलानी शुरू कर दी और उन्हें वहाँ मार दिया गया। मोर देन 1,000 इंडियंस वर किल्ड एंड मैनी वेयर वूंडेड। 1,000 से ज़्यादा इंडियंस मारे गए थे और बहुत लोग जख्मी हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। दिस कोल्ड ब्लडेड इंसिडेंट इज़ नोन एज द जालियांवाला बाग मैसेकर। ओके, तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसे जालियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। नाउ कम्स द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द हिस्टोरिकल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग इंसिडेंट। जब जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे कि हिंदी में असहयोग आंदोलन कहा जाता है, वो इन्होंने शुरू किया। इंडियंस गेव अप द गवर्नमेंट पोस्ट, रेफ्यूज टू पे टैक्सेस, बॉयकॉटेड ऑल फॉरेन गुड्स एंड डिड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये करना था कि जितने भी इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश यहाँ के सरकार, ब्रिटिश यहाँ की सरकार हुआ करती थी, तो जो लोग भी गवर्नमेंट पोस्ट में थे यानी कि गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने से मना कर दिया, फॉरेन की जितनी चीज़ें थी उनका यूज़ करना, उनका यूज़ करने से उन्होंने मना कर दिया, और ब्रिटिशर्स जो भी कहा करते थे उनकी बातें मानने से मना कर दी। द स्कूल चिल्ड्रेन स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल्स एंड द लॉयर्स बॉयकॉटेड द कोर्ट। जो स्कूल चिल्ड्रेन थे, जो बच्चे स्कूल जाते थे और कॉन्वेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, उन बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। जो लॉयर्स थे जो उस समय कोर्ट्स में केस लड़ा करते थे, उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। सून दिस मूवमेंट बिकेम अ नेशनल मूवमेंट एंड इट शूक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है एक नेशनल मूवमेंट बन गया और उन्होंने जो ब्रिटिश का जो रूल था, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। नेक्स्ट इज़ योर चौरी चौरा इंसिडेंट।
गांधी जी वॉन्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू बी पीसफुल बट एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टू प्लेस एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश। गांधी जी चाहते थे कि ये जो असहयोग आंदोलन है ये शांतिपूर्वक चलता रहे, लेकिन तभी चौरी चौरा में कुछ बहुत बड़ी हो जाता है वहाँ पे एक इंसिडेंट। ऑन 5th फरवरी 1922 द पुलिस ओपन फायर ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन। तो 5th फरवरी 1922 को कुछ लोग चुपचाप बैठकर वहाँ पे धरना दे रहे थे और उन लोगों पे पुलिस वालों ने गोलियाँ शुरू कर दी जो कि वहाँ पे चुपचाप ही बैठे थे, चुपचाप वो धरना कर रहे थे वहाँ पे। द एंग्री पीपल रिएक्टेड बाय बर्निंग अ पुलिस स्टेशन इन विच 22 पुलिस मैन वर बर्न्ड अलाइव। तो जब वहाँ की पुलिस ने वहाँ पे जो लोग बैठ के धरना दे रहे थे, जब उन लोग को गोली मारी गई तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया कि चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन था उस पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी और उस पुलिस स्टेशन में लगभग 22 पुलिस मैन थे जो कि उस आग में जल करके मर गए। गांधी जी अ लवर ऑफ पीस वॉज शॉक्ड बाई दिस वायलेंस एंड कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी जो कि चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है वो पीसफुली चले, शांतिपूर्वक हो, जब उन्हें इस हिंसा का पता चला तो उन्होंने इस आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, उन्होंने रोक दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट इज़ योर साइमन कमीशन। द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट द सिचुएशन इन इंडिया वॉज गोइंग आउट ऑफ देयर कंट्रोल। ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई कि इंडिया में अब उनकी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जा रही है। इन 1926 दे अपॉइंटेड अ कमीशन टू स्टडी अबाउट द वर्किंग ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड सजेस्ट चेंजेस। तो 1926 में ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसमें वो ये देख रहे थे कि वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी वर्किंग बॉडी है वो कैसे काम करती है और उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1927। तो ये साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1927 में। इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन एंड डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर। ओके, तो इस साइमन कमीशन के जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन और इस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। द इंडियंस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। इंडियंस ने ये डिसाइड किया कि वो इस कमीशन को नहीं मानेंगे। वेर एवर द कमीशन ट्रेवल्ड द इंडियंस वेव्ड ब्लैक फ्लैग्स एंड शाउटेड साइमन गो बैक। जहाँ कहीं भी ये कमीशन जाती थी अपने लोगों को लेकर, यहाँ के जहाँ कहीं भी इस कमीशन के लोग जाते थे उनका विरोध किया जाता था और जितने भी इंडियंस थे वो एक काला झंडा लेकर के चिल्लाते थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाते थे और उन्होंने एक स्लोगन दिया था साइमन गो बैक। जितने भी इंडियंस थे उन्होंने ये स्लोगन दिया था साइमन गो बैक और वो इस कमीशन को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते थे। मैनी रेवोल्यूशनरीज लाइक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बीके दत्त एक्सेट्रा पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बीके दत्त, ये सभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। द ब्रिटिश रिएक्टेड टू द सिचुएशन बाई अरेस्टिंग द लीडर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये जितने भी लीडर्स थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको अरेस्ट कर लिया। पुलिस वॉज आस्क्ड टू डू लाठी चार्ज एंड फायरिंग। ब्रिटिशर्स ने जितने भी पुलिस के लोग थे पुलिसमैन को बोला कि वो इन लोगों पे लाठी चार्ज करें, यानी कि इनको लाठी से मारें और जो बात नहीं सुने तो उनको गोली मार दिया जाए, उन्हें फायरिंग की जाए उन पर। इन लाहौर व्हेन लाला लाजपत राय वॉज होल्डिंग अ डेमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द कमीशन ही वॉज बीटन सो बैडली दैट ही डाइड अ फ्यू डेज लेटर। ठीक है, लाहौर में जहाँ पे लाला लाजपत राय धरना दे रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, वहाँ पर इन पुलिस वालों ने उन्हें इतने बुरी तरीके से पीटा कि कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट इज़ योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द कांग्रेस हैड इट्स हिस्टोरिकल सेशन इन लाहौर इन 1929। कांग्रेस का जो है एक सेशन हुआ था लाहौर में 1929 में। इन दिस सेशन द कांग्रेस डिमांडेड कम्प्लीट इंडिपेंडेंस। इस सेशन में कांग्रेस से बोला गया कि कम्प्लीट इंडिपेंडेंस मीन्स पूर्ण आज़ादी। इट वॉज ऑल्सो नोन एज पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। अगर हम कम्प्लीट इंडिपेंडेंस को अदर वर्ड्स में बोलें तो इसे पूर्ण स्वराज भी कहा जाता है। अनदर मेजर डिसीजन टेकन इन दिस सेशन वॉज टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर गांधी जीज लीडरशिप। एक दूसरा बड़ा डिसीजन जो लिया गया था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के लीडरशिप में लॉन्च करना था।
अकॉर्डिंगली द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1930। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में लॉन्च किया गया। इट बिगैन विद द फेमस डांडी मार्च। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत डांडी मार्च से हुई। गांधी जी एंड हिज 78 फेथफुल फॉलोअर्स मार्च्ड टुवर्ड्स डांडी अ कोस्टल विलेज इन गुजरात। गांधी जी और उनके 78 फॉलोअर्स थे वो सब पैदल ही डांडी जो कि एक कोस्टल विलेज है गुजरात में उस तरफ चलने लगे। ओके, डांडी गांव की तरफ वो चलने लगे पैदल। द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती एंड दे कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 240 miles। ये जो जर्नी है ये साबरमती से शुरू हुई और इस जर्नी में लगभग 240 माइल्स डिस्टेंस कवर करने थे। ओके, ऑन रीचिंग डांडी मींस साबरमती से शुरू हुआ था, साबरमती से लेकर डांडी तक इनको पैदल चलना था और दूरी थी लगभग 240 माइल्स और इनको इतना डिस्टेंस जो है वो पैदल चलकर ही कवर करना था। ऑन रीचिंग डांडी गांधी जी ब्रोक द अनजस्ट सॉल्ट लॉ इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। जब वो डांडी जब पहुँचे गांधी जी तो वहाँ पर जो सॉल्ट लॉ था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उन्होंने उस सॉल्ट लॉ को तोड़ा। ऑन रीचिंग गांधी जी ब्रोक द अनजस्ट सॉल्ट लॉ इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। ही प्रोड्यूस्ड अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट। सून इट बिकेम अ रियल नेशनल मूवमेंट। ओके, तो गांधी जी ने वहाँ जा कर के, क्योंकि उस समय इंडियंस को अलाउ नहीं होता था कि वो सॉल्ट बनाए, ऐसा कुछ था, तो गांधी जी वहाँ पर गए और उन्होंने एक मुट्ठी नमक अपने हाथों में लिया और फिर उन्होंने एक नेशनल मूवमेंट शुरू कर दिया। ओके, इंडियंस डिसोबेड ऑल द ब्रिटिश रूल्स, बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स एंड रेफ्यूज टू पे द टैक्सेस। इंडियंस ने जो है ब्रिटिश के सभी रूल्स को मानने से मना कर दिया, फॉरेन गुड्स को यूज़ करने से मना कर दिया एंड रेफ्यूज टू पे द टैक्सेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देने से भी मना कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग द इंडियंस इंक्लूडिंग गांधी जी एंड द अदर टॉप लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, जो नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया। इवन गांधी जी और उनके साथ के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट किया गया। द ब्रिटिश फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन एंड इन्वाइटेड गांधी जी फॉर अ मीटिंग इन लंडन। ब्रिटिश ने देखा कि सिचुएशन बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो रही है और आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तब ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को लंदन में एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया। नेक्स्ट इज योर क्विट इंडिया मूवमेंट। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू द वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो फिर इंडिया को ज़बरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व किया गया इन फेवर ऑफ ब्रिटेन इवन विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन पीपल। दिस रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ज़बरदस्ती इंडिया का नाम दिया गया, जबकि इंडिया नहीं चाहता था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो और बिना इंडियन लीडर्स से पूछे, बिना इंडियंस से पूछे इंडिया को जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व किया गया और वो भी ब्रिटेन के फेवर में। ओके, दिस रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो फिर इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था और ज़बरदस्ती उनका नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डाला गया था। इन ऑर्डर टू गेट इंडिया सपोर्ट इन द वॉर द ब्रिटिश सेंट अ मिशन अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बट द क्रिप्स मिशन फेल्ड। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़बरदस्ती कर रहे थे कि वो इंडिया इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हो और इसीलिए उन्होंने एक मिशन भेजा और इस मिशन को लीड कर रहे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और इस मिशन को नाम दिया गया क्रिप्स मिशन, लेकिन ये इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया और क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया। गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट द थर्ड एंड द फाइनल मास मूवमेंट नोन एज द क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन इन 1942। इन दिस कनेक्शन गांधी जी गेव द कॉल डू और डाई। तो गांधी जी ने लास्ट में एक फाइनल मास मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदी में इसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। और इसमें क्या था कि गांधी जी ने एक स्लोगन दिया डू और डाई, के करो या मरो। मीनवाइल सुभाष चंद्र बोस एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी कॉम्प्राइजिंग ऑफ मोर देन 50,000 इंडियन सोल्जर्स। ओके, सो उसी में सुभाष चंद्र बोस जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे
उन्होंने खुद ही एक अपनी आर्मी बनाई जिसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही एक सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज करके उन्होंने अपना ही खुद ही एक आर्मी बनाया जिसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी। और INA में उस वक्त लगभग 50,000 इंडियन सोल्जर्स थे। हिज एम वॉज टू लिबरेट इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापान। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जापान की हेल्प से इंडिया को आज़ाद किया जाए, जापान की हेल्प लेकर के इंडिया को आज़ाद किया जाए। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड केम टू एन एंड इन 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गया। द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप देयर कंट्रोल ओवर इंडिया। ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई कि अब वो इंडिया पे ज़्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते, इंडिया को वो ज़्यादा दिनों तक अब कंट्रोल करके नहीं रख सकते। दे डिसाइडेड टू गिव फ्रीडम टू इंडिया। तब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया को आज़ादी दे दें। दे स्टेटेड दैट द कंट्री वुड बी डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। पहले इंडिया और पाकिस्तान ये डिवीज़न नहीं था, ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान टू डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया जाएगा। दिस डिवीज़न वॉज द आउटकम ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। और इस डिवीज़न को ब्रिटिशर्स ने इसलिए शुरू किया था ताकि इंडिया जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत दो भागों में बंट जाए। जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे, जो हिंदू हैं वो इंडिया यानी हिंदुस्तान आ जाएंगे। सो ये हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच भेदभाव पैदा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया। ओके, फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बने। नाउ कम टू पॉइंट्स टू रिमेंबर। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन द जलियांवाला बाग मैसेकियर। जलियांवाला बाग मैसेकियर में 1000 कई हज़ार लोग मर चुके थे। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये गांधी जी ने शुरू किया था। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1930। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ये 1930 में शुरू किया गया था। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में लॉन्च किया गया था। इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था। ओके,